जॉनसन्स वालों ने बेबी कलोजन्स निकाले हैं, यानी आपके बच्चे के लिए परफ्यूम्स। तो इनकी लाइफ जो एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ लिखी होती है, इसको अपने बच्चों की बॉडी पे नहीं लगाना, बल्कि आपने इसको अपने बच्चों के कपड़ों के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं है, आप इसको जब ओपन करते हैं तो इसके ऊपर एक छोटा सा होल है, बिल्कुल जैसे शैम्पू बॉटल्स के ऊपर होता है, और थोड़ा सा आप इसको अपने बच्चों के कपड़ों पर लगा लें। और ये बहुत अच्छी फ्रेगरेंस देता है, इसमें और भी बहुत सारी फ्रेगरेंसेस हैं, और इस वाली का नाम है ब्रीसा एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेगरेंस। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप कॉन्शियस हैं अपने बच्चों को इस परफ्यूम्स लगाने में तो आप ये वाला ट्राई करें, बड़ों वाला लगाने की ज़रूरत नहीं, और वो भी बिल्कुल 2 ड्रॉप्स, बस इससे ज़्यादा नहीं। एंड येस, वन मोर थिंग कि आपने इसे एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है, और अपार में आपको यही कहूँगी बच्चे की स्किन पर मट डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा, बच्चों की बहुत सॉफ्ट स्किन होती है। बेशक ये ब्रांड्स जो मर्जी कहें कि नहीं जी हम दावा करते हैं ये वो, आपने नहीं यकीन करना, उसे बच्चों के कपड़ों पे लगाने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आज का रिव्यू फीमेल वॉच के बारे में है, जो कि क्यूरिन की है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी है। इसकी तकरीबन प्राइस 1500 से 2000 तक वेरी करती है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती है। इसका डायल बहुत खूबसूरत है, विद द ब्लू डायल इट्स वेरी यूनिक, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस घड़ी का अगर सेल ख़राब भी हो जाए आप दोबारा डलवा सकते हैं, घड़ियों का यही फ़ायदा है। पानी से बस आप इसको बचाएं, और दो ही कहते हैं कि वाटरप्रूफ है, बट प्लीज़ वाटरप्रूफ का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना हाथ पानी में डाले रखें, वो ये होता है कि पानी में अगर गिर गई है तो जल्दी से आप उसको ड्राई कर लें, वरना द पॉइंट इज़ कि वो आप देर तक उसको मत रखें, वाटरप्रूफ का प्लीज़ ये मतलब ना समझिएगा आप, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, तो बिल्कुल इस तरह है, ये बकल है पीछे इसके, आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड आई रियली लाइक इट। और यहाँ मैंने आपको इसके ओपनर क्लोज़ करने का तरीका बता दिया है। क्यूरिन एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिनकी आप ले सकते हैं, ये आप समझ लें टाइटन से थोड़ा सा पहले आता है, तो इनकी अच्छी वॉचेस हैं, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, मेल वॉचेस भी। ये दवाइयों वाला बॉक्स आपको डॉलर स्टोर से मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है कि इसके और भी क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी पीसेस इसके अंदर रख सकते हैं, चेन्स वगैरह अलग अलग, ताकि वो एक दूसरे में जो है वो टाई अप ना हो जाएं। छोटी छोटी अंगूठियाँ आपकी रख सकते हैं, टॉप्स आपके छोटे छोटे कांटे होते हैं वो आप रख सकते हैं। बट एक और इसका एक तरीका बताऊँ यूज़ करने का, वो ये है कि अगर आप लाइक जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी, तो आप इसके किसी एक बॉक्स में अपना थोड़ा सा शैम्पू, थोड़ा सा हैंड वॉश, और इवन हमारे एक जानने वाले हैं वो पार्लर का काम करती हैं, तो वो पता है करती हैं इसमें, वो इसमें ब्लीच और जितने भी छोटे छोटे पाउडर्स वगैरह होते हैं वो सब डाल लेती हैं, ताकि वहाँ जाके उनको इतनी बड़ी बॉटल्स ना उठानी पड़े, यानी फेशियल वगैरह का सामान। तो ये 4 के बॉक्स में मिलता है, और 2 में भी आपके ऊपर आप इसको कैसे यूज़ करें। एंड येस, मेडिसिन के तौर पर तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। आज का रिव्यू है सिलिकॉन कपकेक्स के बारे में। ये पेपर कप्स नहीं हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं, जो कि वॉशेबल हैं, और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको इनके क्या है, लंच बॉक्स में अगर आपने कोई ड्राई जेली या कुछ देना है तो वो भी इन पेपर कप्स में आप डाल के लंच बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, बच्चों के लिए एक सेपरेट स्पेस बन जाती है, आपको बेंटो बॉक्स वाले लंच बॉक्स नहीं खरीदने पड़ते जिनमें ढेर सारी स्पेस होती है, और ये बेकिंग में भी हेल्पफुल है। तो ये है जी कारपेट क्लीनर, और इसको कहते हैं जी कि आपने कारपेट पे ऐसे जैसे गाड़ी चलाते हैं ना बच्चे, बिल्कुल वैसे चलाएं, तो जितना भी कारपेट पे रुआ वगैरह होगा थोड़ा सा ये उसको उठा देगा। ये बड़े पूरे कारपेट को साफ़ करने के लिए नहीं है, जैसे अगर आपके बच्चे ने सौंफ गिरा दी है या कोई बाल पड़ा है या कोई थोड़ा सा रुआ पड़ा है तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं इसको हल्का सा चला के। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये आपको डॉलर स्टोर से मिल जाएगा, फिर ये ओपन हो जाता है, लेकिन ये पूरा कारपेट साफ़ करने के लिए नहीं है, तो प्लीज़ मिसगाइड बिल्कुल भी ना होइएगा। और जब आप इसको यूज़ करें, आप इसको ऊपर से इसका ढक्कन खुल जाता है और जो भी गंद है वो आप साथ के साथ निकालते रहें, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ लॉन्ग टाइम, यानी ज़्यादा देर तक चीज़ चल सकती है। जाहिर सी बात है, जितना एहतियात से और जितने अच्छे तरीके से हम चीज़ को चलाएंगे उतनी उनकी लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे कारपेट को साफ़ करने के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप इस इनिशिएटिव के साथ ले रहे हैं कि पूरा कारपेट साफ़ हो जाएगा, तो आप इसको जल्दी ख़राब कर देंगे, उसके लिए नहीं है। अ वेरी क्यूट होम गैजेट, ये लेडी बग बना हुआ है और डिफरेंट कलर्स में आता है ये। इसके पीछे स्टिकिंग इसके जो है वो रेड डॉट्स हैं, ये इस तरह स्टिकर से उतर जाता है और आप इसको चिपका सकते हैं अपनी वॉल्स पे। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको किसी वुड पे यानी अलमारी पे या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर लगाएं। इसमें अपनी कीज़ डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा वेट ये नहीं बेयर करेगा, सो बी केयरफुल विद दैट। और ये आपको डॉलर स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली बाय देम फ्रॉम देयर, या फिर कोई ऐसे स्टोर्स जो 180 स्टोर्स होते हैं उधर से भी मिल जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत क्यूट है, आप इसमें उनके लिए कैंडीज़ वगैरह रख सकते हैं, और जब अच्छा काम करें तो उन्हें बता दें कि वहाँ से जाके ले लो, सो इट्स अ वेरी गुड हाइडिंग प्लेस, ये अपने लिए भी कुछ छुपा सकते हैं, हु नोज़।
आज का रिव्यू है इस कॉफ़ी मेकर का, जिसको एज अ बीटर भी लोग कहते हैं, हम यूज़ करते हैं इसको। एज अ बीटर मत यूज़ कीजिएगा, ये हैवी किस्म के पाउडर्स को मिक्स करने के लिए नहीं, ये जो कॉफ़ी आप बीट करते हैं बस उसके लिए ही है। एंड मेक श्योर कि आप इसमें अच्छी क्वालिटी का सेल डालें और इसको चला के लें जहाँ से भी लें। सो ये बटन है इसका ऊपर लगा हुआ, और नीचे जो है इसका ये बीट करने वाला है सिस्टम। अच्छे सेल होंगे, देर तक चलेगा, और ये भी है कि आपने चलवा के लेना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि ये आप इसके अंदर चलवा चलाए बगैर ले जाएंगे ऐसे ही पैक, तो फिर ये ना चला फिर आप क्या करेंगे। सो चलवा के ज़रूर लीजिएगा, और सिर्फ कॉफ़ी के लिए, हैवी मिक्सचर्स के लिए नहीं। आज का रिव्यू इन बच्चों की प्लास्टिक चेयर्स के बारे में है। ट्रस्ट मी, इस पे को बड़ा ना बैठे, बच्चों के लिए ही है ये, अच्छी क्वालिटी की है, बहुत जो है वो एक न्यू इनिशिएटिव है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली इसके पीछे बैक सपोर्ट है, वरना वूमन एक छोटी सी चौकी बच्चों के लिए बना देते हैं जिसकी कोई प्रॉपर बैक सपोर्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब आपने इस पर अपने बच्चों को बिठाना है तो पीछे चेयर के ज़रूर कोई वॉल रखिएगा ताकि वो गिरे ना। आज का रिव्यू है इस रोप के बारे में, जो कि खुद ही हैंग हो जाती है, और इसके अंदर तो खैर जी हमें कुछ क्लिप्स भी मिल रहे हैं कपड़े हैंग करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। बस बात सिंपल सी ये है कि जब आपने इसे हैंग करना है तो बहुत टाइटली एक जगह से ग्रैस्प करना है, वरना ये होगा ये कि उतर जाएगी और आपके कपड़े सारे गिर जाएंगे। जाहिर है जितने आपने कपड़े धोए होंगे वो सारे गिर जाएंगे और डबल मेहनत हो जाएगी, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से टाई किया है, जो इसका हुक मिलता है उससे, बस इसका फ़ायदा ये है कि आपको इसे किसी कोने में बांधना नहीं पड़ेगा। अगर एक खंभा सा भी है तो उससे भी घुमा के आप इसको बांध लें। इसके लिए आपको स्पेशली कोई कील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई हुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका अपना हुक ही काफ़ी है इसको लगाने के लिए। अगर आप लोगों का इससे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इतना अच्छा नहीं रहा तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। आज का रिव्यू है इस टॉय के बारे में, तो ये टॉय वॉच है बेसिकली, जो कि बच्चों के लिए है, और ये ब्रेसलेट टाइप है। वो याद है एक फुट्टा होता जिसे हम हाथ पे मारते थे तो ब्रेसलेट बन जाता था, ये भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, तो इजीली आपके हाथ के ऊपर आ जाती है। डिजिटल वॉच इसके ऊपर बनी हुई है, लेकिन बात वही आ जाती है बच्चों की चीज़ है और ये डॉलर स्टोर की वॉच है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी, लेकिन अगर सेल इसका ख़राब हो जाए तो आप चेंज करवा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का सेल डाल दें, फिर तो और ज़्यादा टाइम तक चल जाएगा। तो इसके बारे में, अगर मैं इसकी लाइफ के बारे में बताऊं, जाहिर है बच्चों ने चलानी होती है, इतनी देर तक तो बच्चे चलाते नहीं हैं, लेकिन ये है जी कि ये प्रेस वॉच, थोड़ा सा इसे प्रेस करते हैं तो बंद हो जाती है, ढक्कन वाली ये नहीं है, ठीक है। बाकी इसके पीछे सारा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आज का रिव्यू है इन डॉलर स्टोर की वाटर बॉटल्स के बारे में। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप इस ट्रेंडी फैशन में पड़े हुए हैं तो बिल्कुल मत पड़ें, ठीक है, क्योंकि या अगर पड़ गए हैं तो इस तरह के खुले मुंह वाली बॉटल्स लें, क्योंकि जो बॉटल्स जो खुले मुंह की होती हैं इनको ईजीली साफ़ करना आसान होता है, जो कि और ये कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको 6 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एंड सेफ साइड 3 मंथ्स। इसलिए मैं वैसे तो नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप ये लें, लेकिन अगर आपने ले लिया तो इस तरह खुले मुँह वाली लें, ताकि आप ब्रश से ईजिली इसको क्लीन कर सकें। और अगर आप इस तरह की बॉटल्स चाहते हैं तो कांच की बॉटल्स जो हैं वो ज़्यादा सेफ़ हैं, क्योंकि वो भी ज़्यादा बेहतरीन होती हैं और उसमें वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती, बल्कि बिल्कुल नहीं होती।